साधारण और श्रेष्ठ में सिर्फ इतना सा अंतर है कि साधारण उसको चुनते हैं जो आसान है, लेकिन श्रेष्ठ उसे चुनता है जो मुश्किल है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी एंड द बेस्ट इज दैट द ऑर्डिनरी चूजेस देम व्हिच इज ईजी, बट द सुपीरियर चूजेस व्हाट इज डिफिकल्ट। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी डेली एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2023, बजट डे एंड एट नाइट एफएमसी डिसीजंस। ट्यूजडे आपका ईसीबी एनबीए रेट डिसीजंस, फ्राइडे आपका एनएफपी डेटा, पावर पैक्ड बैक टू बैक 3 डेज, गुड चैलेंजेस फॉर द ट्रेडर्स। आइए देखते हैं क्या हुआ है डॉलर इंडेक्स पे कल ट्यूसडे ड्यूरिंग द डे। कल डॉलर इंडेक्स खुद को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास किया था एंड ड्यू टू दिस ये 102.60 तक चला गया था, फाइनली अगेन बैक टू 102.09 में क्लोज दिया है जस्ट वन डे बिफोर एफएमसी रेट डिसीजंस। सो ये जो लेवल मार्क किया हुआ है रेंज ऑन द टॉप आपका 103, ऑन द बॉटम इज 101.47, इसके रेंज में ही काफी कंसोलिडेशन हो गया है। अभी इंतजार है रेट डिसीजंस का रात को, उसके बाद ही ये रेंज के बाहर आने का संभावना है। क्या ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, यही देखने वाला बात है। कल डॉलर रुपी में काफी वॉलेटिलिटी था एंड जो सेशन था उसमें काफी वॉलेटिलिटी देखा गया है एंड इट ट्रेडेड हाई ऑफ 82.0750। ये ओपन हुआ था आपका इंडियन मार्केट में 81.58 पे, ट्रेडेड हाई ऑफ 08, लो ऑफ 56 हाफ एंड फाइनली क्लोज्ड एट 81.93 इन आवर इंडियन मार्केट, बट ग्लोबली नाउ इट इज 81.70। आप अगर डॉलर रुपए को लोअर टाइम फ्रेम में देखने का प्रयास करोगे, आप देखोगे कि 81.72 and 75 के बीच में काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, ऐसा लग रहा था कि यहाँ से फिर सेल ऑफ हो जाएगा, लेकिन इस ब्रेकआउट के टाइम पे वी सॉ सम गुड अमाउंट ऑफ आउटफ्लोज हिटिंग द मार्केट। उस टाइम पे मार्केट भी शॉर्ट था, सो शॉर्ट कटिंग एंड द गुड अमाउंट ऑफ आउटफ्लोज ट्रिगर्ड द डॉलर रुपी एंड ये आपका 75 से जूम करके 08 तक चला गया था, 82.08 तक। उसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे जाके सॉफ्ट हुआ है एंड इंडियन मार्केट में इस जगह पे आपका 92-93 पे जाके क्लोज दिया है। आज हमारा बजट डे है, यहाँ पर भी ड्यूरिंग द डे काफ़ी वॉलेटिलिटी की आशा है। टिपिकली आप देखोगे जो हमारा जोन एक्चुअली रेजिस्टेंस जोन था उसके बाहर जाने का प्रयास किया था एंड फेल्ड। 81.90-82 ऑन द हायर साइड, उसको कन्विंसिंगली ब्रेक कर नहीं पाया। सो आज का बजट डे के टाइम पे काफ़ी वॉलेटिलिटी का संभावनाएं हैं एंड ऑल्सो वो दैट इज नॉट द एंड, एंड होगा फिर एफएमसी रेट डिसीजंस के बाद। कल मॉर्निंग में भी धोबी पछाड़ होने का संभावना है, फिर भी वही एंड इसी भी फिर एनएफपी, सो काफ़ी चैलेंजेस है फॉर द ट्रेडर्स ड्यूरिंग दिस वीक। जीबीपी डॉलर आप देखोगे 1.24-1.2450 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस लिया है। अभी थोड़ा सा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 24-2450 को रेस्पेक्ट कर रहा है एज ए रेजिस्टेंस, लेकिन हमें इंतजार रहेगा रात के लिए।
क्या ये उसके बाद ऊपर जाता है या नीचे आता है, यही देखने वाला बात है। जीबीपी आईएनआर सिमिलरली टुक रेजिस्टेंस आरएसआई, उसका प्रूफ है जो 60 में रेजिस्टेंस लेकर नीचे के आने का प्रयास कर रहा है। हमारा जो ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे इस ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के नीचे अगर कन्विंसिंगली ब्रेक डाउन करता है तो हमें एक सेल ऑफ मिल सकता है, तो क्या ये होगा या नहीं ये देखने वाला बात है। यूरो डॉलर पे कल एक पिन बार बनाया हुआ है, पिन बार का लोकेशन है ये सपोर्ट लेवल पे। ऑल्सो RSI डेली अगर देखोगे इट इज ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है टू टेक द सपोर्ट एट 60, देन आफ्टर द रेट डिसीशंस FOMC रेट डिसीशंस ये ऊपर जाने का प्रयास कर सकता है। यूरो आईएनआर टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60, रेन शिफ्ट एंड सीरीज ऑफ डाइवर्जेंसेस, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा एक सेलिंग अपॉर्चुनिटीज बन सकता है, लेकिन इंतजार रहेगा हमें कन्फर्मेशन का। डॉलर येन 129.98, तो वही बिफोर द मेजर इवेंट ये कंसोलिडेट करेगा, उसके बाद हमें देखना है क्या ये लो को टेस्ट करेगा या ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा टुवर्ड्स 134, ये हमें देखना है। येन आईएनआर ऑल्दो वी आर लुकिंग फॉर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, लेकिन सेलिंग अपॉर्चुनिटीज आ नहीं रहे, फिर हमें इंतजार करना पड़ेगा एंड देखना पड़ेगा। जब तक कन्फर्मेशन नहीं आता है तब तक बड़ा शॉर्ट पोजिशन के लिए इंतजार करना पड़ेगा। डॉलर कैंडी आपका 30th जनवरी को बाउंस बैक करने का प्रयास किया था 1.33 से, फिर दोबारा 1.3390 की तरफ गया था। कल अपटिक मार के फिर 2.50 नीचे की तरफ सेल ऑफ हो गया, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल एक दिया है कल। आज देखना पड़ेगा क्या ये हमारा मच अवेटेड 1.32-1.325 का टारगेट मैच होता है या नहीं। ऑसी डॉलर यहाँ पे एक पिन बार फॉर्मेशन आया है, पिन बार फॉर्मेशन एट सेंटर बेंच, सो यहाँ पे एक हमें एक अच्छा खासा अपवर्ड मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब ये स्विंग हाई के ऊपर कन्विंसिंगली क्लोज दे देगा। इन द मीन टाइम RSI डेली देखिए ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60, ये यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर की तरफ जाता है तो अच्छा खासा एक मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए इंतजार रहेगा। डॉलर यानी 6.75 कंसोलिडेशन हो रहा है, इंतजार रहेगा क्या ये ऊपर का हाई को तोड़ता है या नीचे का लो को तोड़ता है। तब तक कंसोलिडेशन होने देते हैं, जितना बड़ा कंसोलिडेशन उतना बड़ा ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड। UK ऑयल 85.61 ये सपोर्ट लिया है सेंटर बैंड पे। हमारा ऑब्जर्वेशन यही था कि आपका जो पुल बैक है, पुल बैक ये सेंट्रल बैंक से सपोर्ट लेके ऊपर जाता है या नहीं। अभी अगर रिसेंट स्विंग हाई दैट इज 89 के आसपास जो है, 89 के ऊपर अगर कन्विंसिंगली ब्रेकआउट करता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की क्रूड UK ऑयल जो है ये दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज द क्रूड ऑयल 95.50 के तरफ जाने का हायर प्रोबेबिलिटीज है। इन द मीन टाइम ये RSI भी 60 के ऊपर जाना पड़ेगा। US 10-year ट्रेजरी 3.51 कंसोलिडेशन बिफोर द मेजर इवेंट, इंतजार रहेगा उसके बाद क्या होता है देखना है, क्या लो तोड़ता है या स्विंग हाई नया स्विंग हाई बनाता है। अगर नया स्विंग हाई बनाता है देन इन सच ए केस इसका जो प्राइस एक्शन होगा एक हैपाजार्ड वे में आ जाएगा, फिर हमें इंतजार रहेगा एक प्लांट वे ऑफ प्राइस एक्शन। क्या प्लांट वे प्राइस एक्शन, वेदर इट इज मेकिंग हायर हायर और वेदर इट इज मेकिंग लोअर हाई लोअर। सो आज का जो प्रेजेंटेशन है इतना तक ही, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपका अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड ग्रेट हैव अ ग्रेट डे।